बहराइच से हमारी आज की खास खबर। 6 वर्षीय मासूम के साथ किशोर ने किया रेप। बहराइच के दरगाह इलाके के मोहल्ले की 6 वर्ष की मासूम को टॉफी देने का लालच देकर इसी मोहल्ले का किशोर सुनसान जगह पर ले गया। उसने किशोरी के साथ रेप किया, जिसके चलते बेटी की हालत बिगड़ने पर किशोर मौके से फरार हो गया। बेटी को तलाशते हुए परिजन पहुंचे तो उसे लहूलुहान हालत में मिली। थाने में नामजद तहरीर देने पर रेप व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया है। घटना उस समय की है जब 6 वर्षीय मासूम घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान मोहल्ले का एक 18 वर्षीय किशोर उसे टॉफी दिलाने के बहाने सुनसान जगह ले गया और मासूम के साथ रेप किया। इसके चलते बालिका की हालत बिगड़ गई। बेटी को तलाश रहे परिजनों की आहट पाकर किशोर फरार हो गया। पीड़िता बेटी ने परिजनों को वारदात की जानकारी दी तो परिजनों के होश उड़ गए। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। एसपी ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। बहराइच ब्यूरो से अब्दुल कादिर की खास रिपोर्ट। थाना दरगाह शरीफ के क्षेत्रांतर्गत दोपहर में लगभग 3 बजे एक 18 वर्ष का युवक एक लगभग 6 साल की बच्ची को, बारिश हो रही थी, एकदम गोद में उठा के एक विद्यालय के अंदर भागा और विद्यालय के पीछे कुछ सुनसान क्षेत्र था, वहां पर उसने उसके साथ बलात्कार की घटना कर रखी। उसके साथ जो एक छोटी बच्ची 12 साल की जा रही थी, उसने तत्काल अपने परिवार को सूचित किया कि जो उसकी बहन पीछे आ रही थी उसको कोई उठा के ले गया, तो एकदम परिवार खोज में लग गया था और स्थानीय लोगों ने सहयोग किया। स्कूल में जो कार्यरत थी एक महिला, उसने सहयोग किया, तो घटना के लगभग 15 मिनट के अंदर ही लोग वहाँ पर पहुँच गए थे और मौके से ही अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई थी। इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया और अभियुक्त को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, कल जेल भेज दिया जाएगा। और जो पीड़िता है उसको कुछ प्राइवेट पार्ट्स में चोट आई है तो उसी के उपचार हेतु अस्पताल में लाया गया है। पीड़िता से अभी मेरी मुलाकात हो गई है, स्थिति स्टेबल है, चोट ज़्यादा गंभीर नहीं है, उसको जितना उपचार की आवश्यकता है सब पुलिस के सहयोग से उपलब्ध कराया जा रहा है और इसमें सभी विधिक कार्रवाई बाकी सुरक्षित है।